स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज हम क्लास प्रेप का इंग्लिश का लेक्चर है वो करेंगे। देखें, इंग्लिश के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपको क्लास प्रेप का जो है इंग्लिश का लेक्चर डिलीवर करूँगी। इसमें हम यूनिट नंबर 5 जो है, देखें, पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। इसकी जो कुछ एक्टिविटी है जो हमने रिमेनिंग में छोड़ दी थी, आज हम वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखें, पेज नंबर 27, यूनिट 5, लेसन 4, वर्ड्स एनिमल्स। लुक एट द पिक्चर एंड काउंट द लेग्स ऑफ द एनिमल्स। टॉक अबाउट द एनिमल्स यूजिंग द नंबर्स 2, 4, 6। एग्जाम्पल, अ हॉर्स हैज 4 लेग्स। देखें, नंबर फर्स्ट पे देखें, उन्होंने कहा है हमने जो एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उन्होंने पिक्स के अंदर दिए हुए हैं। हमने उनकी लेग्स के बारे में बताना है कि किसकी कितनी लेग्स हैं। देखें, सबसे पहले हॉर्स हैं, जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल में बताया, अ हॉर्स हैज़ 4 लेग्स। इसी तरह से ये बर्ड है हमारे पास, अ बर्ड हैज़ 2 लेग्स, इसकी 2 लेग्स हैं। नेक्स्ट देखें, बी, अ बी हैज़, बी की कितनी लेग्स हैं, बी की 6 लेग्स हैं। नेक्स्ट देखें, नंबर 4 पे फिश है, फिश की पिक आपको नज़र आ रही होगी, जैसे कि आपको पता है कि फिश की लेग्स नहीं होती। नंबर 5 पे देखें, आंट, आंट की कितनी लेग्स हैं, आ आंट हैज़ आ 6 लेग्स, इसकी भी जो हैं 6 लेग्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंट की जो हैं 3 लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं। उसके बाद देखें, नंबर 6 पे आ जाएं, कैंगरू, कैंगरू की भी 2 लेग्स हैं, तो हम लिखेंगे अ कैंगरू हैज़ अ 2 लेग्स। इसी तरह से हैन की देखें, हैन की भी 2 लेग्स हैं, और डक की हैं, डक की भी 2 लेग्स हैं। स्नेक देखें, आपको पिक में नज़र आ रहा होगा, स्नेक की जो कि आपको पता है लेग नहीं होती, इसकी कोई भी लेग नहीं है। नेक्स्ट देखें, नंबर 10 पे आ जाएं, गोट, गोट की कितनी लेग्स हैं, 4, गोट की 4 लेग्स हैं, आपको पिक में नज़र आ रहा होगा। देखें, 1, 2, 3, 4। इस तरह से नेक्स्ट देखें, कैमल, कैमल की कितनी लेग्स हैं, कैमल की भी 4 लेग्स हैं। नेक्स्ट है नंबर 12 पे पैरट, पैरट की भी 2 लेग्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखें, टॉक अबाउट द कलर्स ऑफ द एनिमल्स इन ए, हमने जो एनिमल्स के कलर्स हैं उनके बारे में बताना है। अकॉर्डिंग टू पिक ए, अकॉर्डिंग टू ए जो है हमने बताना है। देखिए, जैसा कि ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। एग्जाम्पल देखें, व्हाट्स कलर इज़ द हॉर्स, हमने हॉर्स का कलर बताना है, इट्स वाइट एंड ब्राउन। इसी तरह से नेक्स्ट है बर्ड का, व्हाट कलर इज़ द बर्ड, तो बर्ड में कौन सा कलर है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लू एंड ग्रीन, इट्स कलर ब्लू एंड ग्रीन। इसी तरह से हमने बी का बताना है, फिश का बताना है, ऐसे ही हमने सबके जो हैं कलर्स बताने हैं। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 28 पे आ जाएं, यूनिट 5, लेसन 5, सेंटेंसेस यूजिंग कैन, हमने सेंटेंसेस हैं उसमें कैन का यूज़ है, कैन का यूज़ करना है। देखें, रीड द सेंटेंसेस, अ हॉर्स कैन रन, पिक में भी आपको नज़र आ रहा होगा हॉर्स जो है रनिंग कर रहा है, अ हॉर्स है कैन रन, अ बर्ड कैन फ्लाई, अ फिश कैन स्विम। नेक्स्ट देखें, आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग मेक येस इट कैन और नो इट कांट। एग्जाम्पल में देखें, कैन अ कैट रन, कैट जो है वो रन कर सकती है बेटा, येस, तो इसका आंसर आएगा येस इट कैन। ये उन्होंने कहा है जो हमारा येस का आंसर है, जब हमारा आंसर येस में होगा ना, तब हमने उसके साथ येस इट कैन लगाना है, और जब हमारा आंसर नो में होगा तो इसके साथ आएगा नो इट कांट। इसी तरह से कैन ना कैट फ्लाई, कैट उड़ सकती है, पिक में देखें कैट भी उन्होंने बनाई हुई है, कैन ना कैट फ्लाई, नो इट कांट। नेक्स्ट देखें, नंबर 1 पे देखें, कैन ना बी स्विम, बी की आपको पिक भी नज़र आ रही होगी है। चलें मेरे साथ चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखें, कैन आंसर द क्वेश्चन, सबसे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन आ बी स्विम, जो बी है वो जो स्विम कर सकती है, नो, इसका आंसर आएगा नो इट कांट। मैंने आपको बताया था जब आंसर नो में आता है तो हमारे पास नो इट कांट। अब देखें, नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन आ बी फ्लाई, बी जो है वो फ्लाई कर सकती है, येस ऑफ कोर्स वो उड़ सकती है, तो हमने इसका आंसर क्या देना है, येस, येस इट कैन, क्योंकि वो फ्लाई कर सकती है, येस इट कैन। इसी तरह नंबर 3 पे आ जाएं, कैन आ कैमल रन,
कैमल जो है वो रन कर सकता है, दौड़ सकता है कैमल? यस, वो दौड़ सकता है, तो फिर इसका आंसर भी यस में आएगा, यस इट कैन। नंबर फोर पे देखें, कैन आ कैमल फ्लाई, कैमल जो है फ्लाई कर सकता है? नो, कैमल फ्लाई नहीं कर सकता, कैमल जस्ट रनिंग कर सकता है। कैन आ कैमल फ्लाई? नो, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा आएगा नो, नो इट कांट। जो हमारा नो का आंसर है उसके साथ यूज होता है कांट, नो इट कांट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स देखें, अब आ जाएं अपने पेज नंबर 29 पे आ जाएं, देखें यूनिट 5 लेसन 6 वर्ड्स एंड फोनिक्स। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? हमने जो है फर्स्ट साउंड बताना है, देखें एग, एग दिया हुआ है, ई फॉर एग और ई फॉर एलिफेंट। एग एलिफेंट, ई का जो साउंड है वो है ए, ई का साउंड है ए, तो ये यूज होता है एग एंड एलिफेंट। अब हमने इसके साउंड में बारे में पढ़ा है, अब देखें हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। ड्रा अ लाइन टू द मैच द पिक्चर टू द वर्ड। जो पिक्चर है हमने लाइन ड्रॉ करके उसके वर्ड के साथ मैच करनी है। कवर द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, और जो वर्ड्स हैं उनको रीड करना है। देखें सबसे पहले देखें पेन, पेन को उन लोगों ने पेन के साथ मैच किया हुआ है, जो पेन के पीछे है। पेन के स्पेल क्या है? पी ई एन, पेन, पेन के जो स्पेल हैं उसको पेन की पीक के साथ मैच कर दिए। इसी तरह से नेक्स्ट देखें एच ई एन, हैन, हैन कहाँ पे है? अब यह देखिए, ये देखें यहाँ पे हमने हैन को जो है हैन के स्पेल के साथ हैन को मैच कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है एल ई जी लेग, लेग को हमने लेग के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट देखें ई डबल जी एग, एग के जो स्पेल हैं उनको हमने एग के साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखें पी ई टी पैट, पैट को हमने पैट के साथ मैच कर देना है। इसी तरह से साइट वर्ड्स हैं इनको भी हमने सेम ऐसे ही करना है, हॉर्स को हॉर्स के साथ मैच कर दें, कैंगरू को कैंगरू के साथ मैच करें, फ्लावर को फ्लावर के साथ कर दें, उसके बाद गोट, गोट को गोट के साथ मैच करें, और येलो, येलो, येलो को येलो कलर, ये देखें यहाँ पर उन्होंने पिक में नज़र आ रहा होगा, येलो को येलो के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट आ जाएं यूज़ द करेक्ट लेटर्स टू मेक देन वर्ड्स। अब वर्ड्स जो हैं कंप्लीट करने के लिए हमने करेक्ट जो है वो लेटर्स यूज़ करने हैं। ये देखें उन्होंने हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जैसा कि के एच बी जी एफ वाई आर एस एंड डब्ल्यू। नंबर वन पे देखें आर रेड फ्लावर, क्या है देखें पिक में भी नज़र आ रहा होगा आ रेड फ्लावर। नंबर टू पे आ जाएं आ ब्राउन कैंगरू, हमने उसका जो है कलर भी बताना है और साथ में उसके स्पेल भी बताने हैं। आ ब्राउन कैंगरू, जो ब्राउन का जो बी है वो यहाँ पे मिस है, देखें यहाँ पे मिस है, सिर्फ लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर, हमने जो यहाँ पे स्पेल मिस है वो राइट करना है, ब्राउन का बी मिस है तो यहाँ पे हमने राइट करना है बी, और यहाँ पे कैंगरू का के, आ ब्राउन कैंगरू। नंबर थ्री पे देखें, ये देखें गोट का कलर देखें, अगर आप गोट का कलर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जल्दी से कि कौन सा कलर है और कौन सा इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। देखें कौन सा कलर है? ब्लैक, आ ब्लैक गोट, ब्लैक का देखें, ब्लैक के स्पेल आपको पता है बी एल ए सी के ब्लैक होते हैं, उन लोगों ने कौन सा स्पेल मिस किया है? फर्स्ट उन्होंने स्पेल मिस कर दिया है बी, हमने यहाँ पे राइट करना है बी, और यहाँ पे गोट का जो है जी, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा आ ब्लैक गोट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आ येलो स्नेक, एक स्नेक दिया हुआ है उसका कलर जो है वो येलो है, येलो का उन लोगों ने जो है वाई मिस किया हुआ है, यहाँ से हमने ये देखें यहाँ से हमने वाई उठा के इधर लिख देना है येलो, तो येलो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से स्नेक, स्नेक यहाँ से एस लेना है और एस हमने यहाँ पे राइट कर देना है आ येलो स्नेक, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें नंबर फाइव पे आ जाएं आ वाइट हॉर्स, हॉर्स जो है वो वाइट कलर का है और वाइट के स्पेल आपको पता है डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट होते हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने वाइट का जो है डब्ल्यू मिस किया हुआ है, तो हमने यहाँ से लेना है डब्ल्यू और यहाँ पे राइट कर देना है। ऐसे ही हॉर्स, हॉर्स के स्पेल होते हैं एच ओ आर एस ई हॉर्स, तो यहाँ पे हम लेंगे एच,
एच यहाँ पे लगाएंगे तो हॉर्स के स्पेल कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आ वाइट हॉर्स। और ये जो नेक्स्ट देखें नीचे पेट्स बने हुए हैं, ये पेट्स को कुछ नहीं करना, जो पेट्स का जो फर्स्ट लेटर है पी उसके यहाँ पे हमने ट्रेसिंग करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो अपना यूनिट नंबर हमारा था 5 वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मज़ीद अपने नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।